न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एम गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी वह भी कोटा सीकर जयपुर दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। नमस्कार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक नेटवर्क का खास कार्यक्रम आज का इतिहास। मैं हूं देशराज यादव। आज के दिन इतिहास में क्या रहा खास जानिए इस रिपोर्ट में। 10 मार्च आज के दिन इतिहास में कई घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जिनसे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आज के दिन 10 मार्च 1932 में उड़ुप्पी रामचंद्र राव का जन्म कर्नाटक के उड़ुप्पी जिले में हुआ था। इन्हें भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का वास्तुकार भी माना जाता है। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर अपना करियर शुरू करने के बाद रामचंद्र राव 1966 में भारत वापस आ गए थे। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। इनके ही मार्गदर्शन में आर्यभट्ट सहित लगभग 18 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। यह भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। प्रोफेसर राव को 1776 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण व 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 10 मार्च 1897 में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले का निधन हुआ था। इन्होंने वर्ष 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में बालिका स्कूल की स्थापना की और उनकी प्रिंसिपल रही। सावित्री बाई शिक्षक होने के साथ साथ नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता व मराठी कवित्री भी थी। बालिकाओं को शिक्षित करने के कारण उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए सावित्रीबाई फुले का बड़ा योगदान रहा। होटल आमबाग होटल है पर अलग सा। दिल्ली जयपुर NH 48 पनियाला मोड़ के समीप होटल की खास पहचान ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपने ही बाग में उगाकर ग्राहकों की सेहत का रखते हैं विशेष ध्यान। बेहतरीन लोकेशन पर बना होटल आमबाग जिसमें प्योर वेजिटेरियन, मोदी नगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी, शानदार लग्जरी रूम, फास्ट सर्विस एवं टावल्स का फैक्ट्री आउटलेट। इतना ही नहीं सुप्रसिद्ध विश्वजीत थाली जो 8 लोगों के लिए है पर्याप्त, जिस पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। होटल आमबाग में होटल इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्री VK शर्मा जी जिनकी मजबूत लीडरशिप एवं संजय यादव जी जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिनके द्वारा हाईवे पर कई ब्रांड स्थापित किए जा चुके हैं जो आज शानदार नाम कमा रहे हैं। तो आप भी आइए और शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। शुद्धता और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। माधव अस्पताल सर्जिकल ENT डेंटल ट्रोमा एवं जच्चा बच्चा अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त, जहां RGHS चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं TPA के तहत निःशुल्क ऑपरेशन व भर्ती की सुविधा। इतना ही नहीं आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे सहित प्राइवेट व सुपर डिलक्स रूम उपलब्ध। निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रशासक नरेंद्र यादव, कुंड रोड बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS।
आज के इतिहास में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, और हाँ, ऐसी खास जानकारी के लिए आज ही चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।